हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कलेक्टर कैसे बने। दोस्तों कलेक्टर बनने के लिए आपको 7 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों आपकी पहली स्टेप होगी, आपको सबसे पहले 12th पास करना है। 12th पास करने के बाद आपको दोस्तों दूसरी स्टेप में आपको ग्रेजुएशन कम्प्लीट करना है। दोस्तों जब आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाए, ग्रेजुएशन आपको किसी भी स्ट्रीम में करना है और किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त। दोस्तों आपको ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने का आपकी तीसरी स्टेप होगी, आपको UPSC के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। 4th स्टेप आपकी होगी, आपको प्रीलिम्स का एग्जाम निकालना है UPSC का। और 5वीं स्टेप आपकी होगी, आपको UPSC का जो मेंस का एग्जाम होता है उसे क्लियर करना होगा। और 6ठी स्टेप आपकी जो होगी वो होगी इंटरव्यू क्लियर करना। जो UPSC द्वारा मेंस एग्जाम क्लियर करने का जो लिस्ट आती है उसमें इंटरव्यू वाली लिस्ट में आपका नाम होगा, इंटरव्यू को क्लियर करना। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जो आपकी 7वीं स्टेप होगी, आपका जो UPSC द्वारा फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाती है उसमें आपका नाम होना चाहिए, तभी आप कलेक्टर बन सकते हैं और अच्छी रैंक के साथ आपका नाम होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।